हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। धरती पर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जल संरक्षण के साथ साथ पेड़ पौधों की भी जरूरत है, जिसे इस बार बीजेपी सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पौधारोपण कार्यक्रम में जी जान से डटे हुए हैं। जल है तो पौधे हैं तो पृथ्वी है। दुनिया के इस सजीव रूप में हरियाली सबसे अहम कारणों में से एक है। पारिस्थितिकी के संतुलन में पेड़ पौधे वनों के योगदान को भला कौन नकार सकता है। दुनिया के लगभग सभी देश जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंतित हैं। कहीं सर्दी हिमयुग का प्रकोप बढ़ रहा है तो कहीं बाढ़ ने बेहाल किया है तो कहीं तापमान जला डालने की हद तक बढ़ जाता है। वक्त लोगों के सचेत होने का है। सत्ता शासन लोगों को जागरूक करने में भी लगा है। देश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। 9 जुलाई से वृक्षारोपण में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फरीदाबाद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पर्यावरण संरक्षण को लेकर सबसे दो कदम आगे ही नजर आए। शहर के सेक्टर 16A में विपुल गोयल पौधा लगाने पहुँचे और मेगा प्लांटेशन में अपनी गंभीर सहभागिता दर्ज कराई। गैस बनाएगा तो ये सब सिंगापुर के अंदर यही टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो अपना इको क्लीन है ये लिफ्टिंग में घरों से लिफ्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली जहां पहुंचाना था उसकी वजह आगे लोग बाहर गए खेतों से खेले, तो ये लैकिंग है। वो घर से तो उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन वो उसको जहां पर ले जाना चाहिए था, बदवाड़ी जो प्लांट दिया था वहां 100% ये पहुंच रहा है। इसलिए मैं अपनी कमियों को ये नहीं कि मैं मानूंगा नहीं, जो गलत है जिसको मैं इम्प्रूव करना वो बताएंगे कि इसलिए टेक्निकल फ्लॉ है, लेकिन इसमें भी गलती है। 26 से 28 जुलाई तक 3 दिनों के व्यापक अभियान में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य है। इससे बड़ी बात तो ये है कि पूरे NCR को अपनी हरियाली से गुलजार रखने वाली अरावली की पहाड़ियों को सेहत को लेकर मंत्री विपुल गोयल बेहद फिक्रमंद है। पहाड़ी के वनों को और शक्ति देने के लिए ड्रोन से पौधों के बीजों का छिड़काव किया जाएगा। बीजों की संख्या करोड़ों में होगी। पूरे अभियान को और मजबूत बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री सुरेश जैन भी बेहतर फरीदाबाद बनाने में लगे विपुल गोयल के अभियान को मजबूती देंगे। 80-90 के अलावा इसके अंदर इतने ज्यादा पॉलिटिव जो और भी मिनरल्स हैं डाल दिए जाते हैं, उसके लिए मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और नितिन गडकरी जी ने उसको सैंक्शन किया और 1400 करोड़ रूपए की SPPs जो कि इंस्टॉल होने के लिए पिछले साल उनका फाउंडेशन शुरू कर दिया, अगले एक साल के अंदर ये वो STPs काम करने लगेंगे और हमारे नहर के अंदर जो आने वाले एक साल के अंदर पानी आएगा वो 8-10 BOD का होगा। ये मैं आप लोगों को पौधों को रोपा तो जा रहा है, लेकिन इनकी देखभाल संरक्षण कैसे होगी ये अहम सवाल है, क्योंकि पौधे संभलेंगे तभी वृक्ष बन छाया फल और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। इस सवाल के जवाब में विपुल गोयल ने कहा कि सरकार के साथ ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो पौधों के संवर्धन में खुद को लगाएं, उनको नुकसान न पहुंचाएं। उद्योग मंत्री विपुल गोयल तो लोगों से राहगीरी के इस तरह पौधागिरी करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। किसान जो है वो फसल के अवशेष जलाता है, फसल को काटने के बाद जो बच जाता है जिसे हम लोग पराली भी बोलते हैं और बहुत कामों से हम जानते हैं, उसको राइस रिड्यू जो है उसको वहां पर छोड़ देते हैं, कितने बड़े बड़े जो भूसे के कण होते हैं तो उसको निकालने के लिए सब लगता है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उसके लिए किसान उसमें आग लगा देता है। उसको रोकथाम के लिए हमने उस पर कि कितने उसके नुकसान है कि आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति उससे कम होती है। स्वच्छ पर्यावरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है, इसके लिए आम नहीं जोरदार पहल चाहिए। इसी दिशा में कोशिश फरीदाबाद में उद्योग मंत्री विपुल गोयल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हो रही है। हरा फरीदाबाद ही कल बेहतर हरियाणा बनाने में मददगार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।